आज जो धरना प्रदर्शन था, ये किस लिए धरना प्रदर्शन दिया आपने? आपकी तरफ से जो भी घोटाले हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं आप सरकार, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी घोटाले हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये हम अपील करते हैं कि आप लोग अपने उन जो भी जिन वायदों के लेके आप आए थे सरकार में, वो तो सब आपने झूठे साबित कर दिए। अब आपने जो इतना बड़ा सत्येंद्र जैन जी का जो घोटाला है उसको जो साबित हो चुका है, तो आप इस्तीफा दें और नए लोगों को आने का मौका दें, ताकि हम लोग उस भ्रष्टता और जो आपने झूठे वायदे किए हैं वो सबको हटा के और नई सरकार का चयन कर सके। मैडम, इस तरीके से वो केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, घोटाले कर रही है, और आप कह रही हैं कि केजरीवाल तो आए आके सामने बोले ना, डर के छुपके क्यों बैठे हैं? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, कहने से थोड़ी कुछ होता है। किसी चीज को आप सिद्ध करेंगे? आप सिद्ध नहीं करते, आप आते ही नहीं है सामने बोलने, हर जगह से आप भाग जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये तो बेईमानी है, झूठा आदमी छुपता है। इस प्रदर्शन को लेकर आगामी योजना क्या रहेगी आपकी? यही है कि हम लोग जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग ये करते रहेंगे, और आखिरकार जीत हमारी होनी, हमें पता है, क्योंकि वो गलत है, जो गलत होता है वो हारता है। मतलब अभी आप लोग सारे इकट्ठे होकर राजघाट पर वो गांधी जी से क्या मांगने गए थे? यही मांगे थे कि आपके आदर्शों पे हम चलें और हमसे कोई पाप ना हो, और बाकी जो भी आदमी ऐसे गलत कार्य कर रहा है उसको भगवान सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि किसको दे? भारतीय जनता पार्टी को? यार सभी को दे, हमें भी बुद्धि की जरूरत है और उन्हें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, हमने नहीं किया है। हमने किया होता तो हम यहाँ थोड़ी होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं, है ना।